रात रात को एक एक हफ्ता जाग के मेहनत करके ये कमाया मैंने। गाइस मैं डीएनएडी में 2 पेंसिल जीत चुकी हूँ और मैं वो क्या होता है बाद में बताऊंगी। अब तो आ रहा सपास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। हेलो, पहले तो फॉरगिव मी, दादी का ब्लॉग आने वाला था आज और मेरा प्लान था मैं सैटरडे मॉर्निंग शूट करूँगी एंड शाम को डाल दूँगी, बट कल घर में थोड़ा बैड न्यूज़ आ गया और फिर मतलब बहुत कुछ हो गया, तो आएगा ब्लॉग दादी का थोड़े दिनों में, शायद नेक्स्ट मंथ तक। बट फिलहाल एक बैड न्यूज़ तो था बट एक गुड न्यूज़ भी है लाइफ में, तो वो न्यू ब्लड पेंसिल क्या होता है मैं आपको वो एक थोड़ा सा जस्ट बता देती हूँ। एक डीएनएडी अवार्ड्स होता है, ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग फील्ड का काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है और ये प्रोफेशनल्स को जो कैंपेन्स बनाते वगैरह उनको अवार्ड मिलता है, बट उसी का ही फॉर स्टूडेंट्स अवार्ड होता है जिसका नाम है न्यू ब्लड अवार्ड। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, डीएनएडी का ही है न्यू ब्लड अवार्ड्स और वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब जो प्रोफेशनल्स नहीं, जिसका काम अभी पब्लिश नहीं हुआ है, जिसका काम अभी पब्लिश नहीं हुआ है बट वो स्कूल कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी मैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। हम लोग ने, मेरे ग्रुप ने और कॉलेज में जैन फेब मार्च ये 3 महीना इतना, एक ब्लॉग तो मैं उस पर बनाने वाली हूँ कि हमने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे अवार्ड्स में एंटर किया था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिना सोए खाए पिए मैं जॉम्बी बन गई थी उस टाइम पे और मैं हर जगह से गायब थी, सोशल मीडिया सब जगह से। तो तो उसके बारे में बताऊँगी, बट तो उसका रिज़ल्ट आया अभी परसों को आया रिज़ल्ट उसका और समझ ही नहीं आया हुआ क्या, बट मेरे 3 एंट्रीज थे अवार्ड्स में और उस 3 एंट्रीज में से 2 एंट्रीज को पेंसिल लगी है, मतलब मैं जीत गई हूँ 2 एंट्रीज में, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और जब रिज़ल्ट आया मैं तो इतना हाफ एन आवर के लिए मैं रोई हूँ। मेरे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम कॉलेज में हैं और मैं मेरी टीम का रिएक्शन बताने वाली हूँ अभी, हम जो डीएनएडी में जीतते हैं। ओके, हाउ डू यू फील? सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर। गिव मी योर विनिंग स्पीच। माय विनिंग स्पीच, आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम फॉर नॉट नोइंग व्हाट आई एम डूइंग इन कॉलेज। आई लाइक टू थैंक माय डैड फॉर नॉट नोइंग व्हाट आई एम गोना डू आफ्टर कॉलेज। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट। Also thanks to Deep and Shilton. Oh yeah, thanks to our wonderful teachers. M&M. Thank you, ma'am. Yay, this is our reward for winning. Guys, I'm unbacked. Mm. Nice. How does it look? Looks good. It's pretty good. It's not worth my fees, but okay. सजाए हम तेरी बरात ना पाए चैना सुनिए। आनंद का फेवरेट प्लेस जा रहे हैं हम। एंट्रेंस पे बंदा था ना, हाँ। वो एंट्रेंस पे जो बंदा था वो हमें देख कैसे कैसे माय फेवरेट। छोटी बच्ची हो क्या? करे जो मन माने मन माने मिल गए तो याद में रखे बाट तेरे ना। तो व्लॉग ऐसे लेते हैं फोटोग्राफर, फोटोशूट करना एक चीज मेरी बतानी रह गई, याद है मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता रही थी कि ये मेरा विजन बोर्ड है और ये एग्जीबिशन की पिक्चर है विच केम ट्रू लास्ट वीक,
और दिस वीक दिस पिक्चर केम ट्रू. दिस इज अ DNAD पेंसिल. ये भी एक साल से मेरे विजन बोर्ड पे है और आई डोंट नो क्या हो रहा है. गुड थिंग्स आर हैपनिंग. और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो एडवर्टाइजिंग फील्ड के बारे में और ये अवार्ड्स के बारे में, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने हालांकि मेरे स्कूल की टी शर्ट पहन रखी है बट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैं बस, अगर आपको क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी. और हमने सोचा है कि एडवर्टाइजिंग फील्ड के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता क्या है और क्या है. जैसे मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों को मतलब नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ. तो इसलिए हम सीरीज़ निकालने वाले YouTube पे अबाउट वॉट वी डू, वॉट वी आर एंड हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार. चलो अब.